जबलपुर चरगवां थाना में हत्या की एक ऐसी वारदात का खुलासा हुआ जिसे सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गई। घर में माँ बाप भाई और बहन इंतजार करते रह गए लेकिन कुल्लू जिंदा घर वापस नहीं आ सका। दरअसल जबलपुर के चरगवां थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम धरती में रहने वाले युवक कुल्लू वर्मन जो कि मानसिक रूप से बीमार था, कुल्लू वर्मन के हाथों अनजाने में कुछ दबंगों की मर्सिडीज कार का शीशा पत्थर लगने की वजह से टूट गया और अपनी लग्जरी कार का शीशा टूटना दबंगों को गवारा नहीं हुआ, जिसके बाद मानसिक रूप से बीमार कुल्लू वर्मन को दबंग उसके घर से उठाकर अपने फार्म हाउस ले गए और उसके हाथ पैर बांध कर उसके साथ इस तरह मारपीट की कि युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद आरोपियों ने युवक के शव को नर्मदा नदी में फेंक दिया। जबलपुर से संतोष कोरी की रिपोर्ट। 1 तारीख को चरगवां में एक रिपोर्ट हुई थी कि कल्लू वर्मन को वहीं गए रहने वाले कुछ लोगों ने अगवा करके उसके साथ मारपीट की है और मारपीट करने के बाद उसकी डेड बॉडी को कहीं डिस्पोज कर दिया है, जिसपे 1 तारीख को ही थाना चरगवां में 365 का अपराध और जब घटना स्थल की सर्चिंग की गई थी तो वहाँ पे कुछ गांजे के पेड़ भी मिले थे, तो उस पर NDPS का मामला कायम किया गया था और इसी दौरान विवेचना के दौरान हमने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था जिनसे रिमांड पर पूछताछ की गई थी और उनने अपने मेमोरेंडम में यह बताया था कि उसको डेड बॉडी को कहाँ चरगवां से शेखपुरा के बीच जो ब्रिज है उससे फेंक दिया था। जो डेड बॉडी लगातार 2 दिनों से हमारी टीम ढूंढ रही थी होमगार्ड की और गोताखोरों के साथ, जिसको ग्राम बेलखेड़ी के पास कल रिकवर किया है, हमने उसी अपराध में 302 का इजाफा किया है और अभी तक की विवेचना में 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 1 आरोपी की अभी तलाश है जिनके इसके साथ लिपता आई है और आगे जैसे भी साक्ष्य आएंगे हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे।